वेंटिलेटर बनाने में भी गुजरात में हमारे लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट कामयाब हुए। वहां के जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, नकली वेंटिलेटर्स का उद्घाटन कर देते हैं वहां के अस्पतालों का। कांग्रेस क्या कह रही थी कि हम राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन केयर फंड को लेकर सवाल उठाएंगे, ऊंचे-ऊंचे वो जो टिप्पणियां हैं वो ट्विटर के जरिए की जाएंगी। नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए थे तब उनकी सबसे बड़ी ताकत थी गुजरात मॉडल, जिस पर मीडिया ने तो बात करना ही बंद कर दिया है। महाराष्ट्र के बाद गुजरात सबसे ज्यादा कोरोना केसेस वाला राज्य बन गया है। हमने कोरोना संकट के चलते खराब टेस्ट किट्स की तो खबर सुनी, पर अब गुजरात में जाली वेंटिलेटर की भी खबर काफी सुर्खियों में है। अहमदाबाद मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात में जाली वेंटिलेटर ने गुजरात मॉडल को हांफने पर मजबूर कर दिया है। इससे पहले हमने गुजरात में बढ़ते कोरोना केसेस पर बात किया था कि किस तरह गुजरात सरकार कोरोना पर काबू पाने में असमर्थ साबित हो रही है, और अब ये जाली वेंटिलेटर का विवाद। अहमदाबाद मिरर की रिपोर्ट के अनुसार 4 अप्रैल को गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में दमन एक नाम के एक वेंटिलेटर का उद्घाटन किया और इसे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक मजबूत हथियार के तौर पर पेश किया। मुझे खुशी है कि वेंटिलेटर बनाने में भी गुजरात में हमारे लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट कामयाब हुए। पूरा उसका सर्टिफाई भी हो गया है और पेशेंट पर सुबह से सक्सेसफुली वो काम भी कर रहा है। हमारे साथ जो मैन्युफैक्चर करते हैं वेंटिलेटर, वो पराक्रम सिंह जी और उनके साथी जिन्होंने पूरी जिंदगी इस काम में, विदेश में भी काम किया था, उन लोगों ने पूरी डिजाइन प्रोटोटाइप उसके पार्ट्स उनके सप्लायर्स वो सब मिलाकर 10 दिन में ये वेंटिलेटर बनाने का मिशन सक्सेसफुली हुआ है। मुझे आशा है कि गुजरात को तो शॉर्टेज नहीं रहेगा। इसको लेकर एक और विवाद भी उत्पन्न हो रहा है। गुजरात सरकार द्वारा जारी प्रेस नोट में इसे वेंटिलेटर बताया गया। विजय रूपानी ने अपने बयान में वेंटिलेटर का ही जिक्र किया। अहमदाबाद मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक जिसे वेंटिलेटर बताया गया है वह असल में वेंटिलेटर है ही नहीं, वह सिर्फ एक एमओ बैग है। डॉक्टर्स की माने तो एमओ बैग से नॉर्मल वेंटिलेटर के मुकाबले ज्यादा पंप भरना पड़ता है। हम इसका इस्तेमाल वेंटिलेटर की तरह नहीं कर सकते और इसका टेस्ट होना चाहिए। अहमदाबाद मिरर ने अपनी रिपोर्ट में ये जिक्र किया है कि उन्होंने कंपनी के मालिक से बात की है। कंपनी ये दावा कर रही है कि वह सरकार को बता चुकी है कि दमन वन वेंटिलेटर नहीं, पर सरकारी दस्तावेजों में इसे वेंटिलेटर ही बताया गया है। न्यूज क्लिकिंग पर अभिसार शर्मा ने अपने शो में सरकार द्वारा वेंटिलेटर को लेकर बोले जा रहे झूठ पर बात और इस पर अधिक जानकारी भी दी। गुजरात मॉडल की क्या हालत है मैं आपको बताता हूं आपके स्क्रीन पर। ये अहमदाबाद मिरर की खबर है। वहां के जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, नकली वेंटिलेटर्स का उद्घाटन कर देते हैं वहां के अस्पतालों का, और ये वेंटिलेटर्स भी नहीं है, ये सिर्फ एम्बु बैग्स हैं, और ये वेंटिलेटर्स किसी के फायदे के नहीं है। बाद में जो वहां का मुख्यमंत्री कार्यालय है वो ये अहमदाबाद मिरर के मुताबिक ये झूठी खबर या ये झूठा बयान भी देता है कि मुख्यमंत्री ने कभी भी वेंटिलेटर शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया। अब अहमदाबाद मिरर द्वारा उपलब्ध कराई गई ये तस्वीर देखिए, ये जानकारी देखिए, जिसमें साफ तौर पर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने वेंटिलेटर शब्द का इस्तेमाल किया था। यह हालत है गुजरात की। तो यहां पर गुजरात मॉडल पूरी तरह से धराशायी है। इस वक्त देश के टॉप 3 राज्यों में है गुजरात, अगर हम बात करें कोरोना संकट को लेकर। इस विवाद में एक और गौर करने वाली चीज है, अखबार और गुजरात में चर्चा है कि जिस कंपनी ने ये दमन वन मशीन बनाई है, इस कंपनी का मालिक विजय रूपानी के दोस्त हैं। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो अपने दोस्त को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब किया जा रहा है। द वायर ने अपने रिपोर्ट में इस पर चर्चा की है। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक जिस ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन कंपनी ने अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में 230 वेंटिलेटर सप्लाई किए हैं, उसमें उस परिवार के भी हिस्सेदारी है जिनका बीजेपी के चोटी के नेताओं से नाता रहा है। एक और दावा भी किया जा रहा है कि जिस परिवार ने मोदी जी को महंगा विवादित सूट दिया था, ये वही परिवार है। कांग्रेस पार्टी के नेता अमित छाबड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए।
गुजरात के मुख्यमंत्री ने अपने निजी मित्र की कंपनी को फायदा कराने के लिए, उसकी पब्लिसिटी करने के लिए एक दमन एक के नाम से वेंटिलेटर हमें मिला है, जो स्वदेशी है, सस्ता मिलेगा, ऐसी बहुत वाहवाही और पब्लिसिटी की। 5 अप्रैल के दिन मुख्यमंत्री ने ये लॉन्च किया। उससे पहले ये बनाने के बाद कोई भी मेडिकल ट्रायल नहीं हुआ था, उसके पास डीजीसीएल की मंजूरी भी नहीं थी, उसके पास एक्सपर्ट लोगों के अभिप्राय भी नहीं थे, तो भी मुख्यमंत्री ने अपने निजी ब्रांड के कंपनी की पब्लिसिटी के लिए, उसके फायदे के लिए गुजरात की जनता पे थोपा था। क्या आपने इतनी जल्दी करके क्यों ये वेंटिलेटर लॉन्च किया? आपको मालूम था कि इसमें पूरे स्पेयर पार्ट नहीं है, कोरोना के दर्दियों की सारवार की फैसिलिटी इसमें नहीं है, तो भी आपने क्यों दर्दियों में उसको अजमाया? और साथ में इतने ज़्यादा लोग जो मर रहे हैं, उसकी एक ही वजह है कि ये दर्दियों को ये दमन एक के भरोसे छोड़ दिया था। एक रिपोर्ट में ये भी कहा जा रहा है कि पीएम केयर फंड के पैसे का इस्तेमाल गुजरात में वेंटिलेटर खरीदने के लिए हुआ है। कांग्रेस पार्टी लगातार पीएम केयर फंड की पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन मेनस्ट्रीम मीडिया गुजरात का जिक्र आते ही आंखें मूंद कर बैठ जाता है। जैसे मीडिया मजदूरों के मुद्दे पर अब सत्ता से सवाल करने लगा है, वैसे गुजरात मॉडल पर भी उन्हें पूछने चाहिए, पर मीडिया ऐसा शायद नहीं करेगा। मीडिया पीएम केयर फंड पर कांग्रेस द्वारा सवाल पूछने पर उनसे ही सवाल करने लग जाता है, पर गुजरात पर कोई सवाल नहीं कर रहा। कुछ मीडिया अभी भी हिंदू मुस्लिम में बिजी है, शायद ही वे इस मुद्दे पर कोई ध्यान देंगे। चुनौती कोरोना की है, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें ये समझ नहीं आता। उनका अपना एक प्लान है, एजेंडा है, प्रोपेगेंडा है, और वो एजेंडा क्या है? किसी भी कीमत पर मोदी को गाली, मोदी पर पर्सनल अटैक। कोरोना की शुरुआत से ही कांग्रेस क्या कह रही थी कि अभी राजनीति का वक्त नहीं है, लेकिन इसके बावजूद राजनीति से पीछे नहीं हट रही। पहले बीजेपी पर नफरत का वायरस फैलाने का आरोप लगाया, अब पीएम केयर फंड को करप्शन का काला कुआं बता रही है। यानी सामने आकर कहेंगे कि हम राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन केयर फंड को लेकर सवाल उठाएंगे, ऊंचे-ऊंचे वो जो टिप्पणियां हैं वो ट्विटर के जरिए की जाएंगी। क्या अच्छा नहीं होता कि केयर फंड का हिसाब लेने में कांग्रेस थोड़ा इंतजार कर लेती? बात यहीं तक नहीं है, कोरोना काल में कांग्रेस के नेता भगवा पर भी निशाना साध रहे हैं। पाकिस्तान में मौलानाओं के दबाव में वहां की पंजाब सरकार ने मस्जिद खोलने की इजाजत दे दी। पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे देश के मुस्लिम धर्मगुरु हालात की गंभीरता को समझते हैं। वो ऐसी कोई मांग सरकार से नहीं कर रहे, मगर मजहब और ईद को ढाल बनाकर मुस्लिम समाज के कुछ लोग जरूर मामले को तूल देना चाहते हैं। ताजा मामला प्रयागराज जिले का है, जहां बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई, जिस पर अदालत ने याचिकाकर्ता को ये कहते हुए राहत देने से इनकार कर दिया कि पहले सरकार से बात कीजिए। और आज यही अर्जी सीएम योगी आदित्यनाथ को भेजी गई, मगर सवाल मांग वाली अर्जी का नहीं, उसमें जिक्र अल्फाजों का है। चिट्ठी में ऐसी ऐसी बातें कुरान और शरीयत को ढाल बनाकर लिखी गई हैं, जिससे ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या ईद पर मस्जिदों में नहीं नमाज अदा की गई तो कोरोना से भयंकर आपदा आ सकती है। ये एक बहुत ही बड़ा विवाद है और एक आम नागरिक की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं, पर जिस मीडिया को सवाल पूछने चाहिए वह कांग्रेस और हिंदू मुस्लिम में उलझा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि मीडिया इस मुद्दे पर भी ध्यान देगा और सत्ता से सवाल करेगा, जैसे उन्होंने मजदूरों के मुद्दे पर सवाल करना शुरू किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।